नमस्कार। आज हम पुनः भारतीय समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में यानी सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाति व्यवस्था को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि भारतीय समाज को अन्य समाजों से पृथक करती है। यानी भारतीय समाज में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो जाति आधारित रहा है। यानी जाति ही भारतीय समाज को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध रूप से विभाजित करती है। यानी इस भारतीय समाज में तुलना और विभेदीकरण का जो आधार रहा है, स्तरीकरण का जो आधार रहा है, वो जाति व्यवस्था है। जब हम भारतीय समाज में जाति को लेकर चर्चा करते हैं तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति एक इकाई समूह के रूप में भी परिभाषित की जाती है और एक व्यवस्था के रूप में भी देखी जाती है। यानी जाति एक ऐसा बंद आनुवंशिक सामाजिक समूह है जो धार्मिक विश्वासों से आबद्ध है और भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों का महत्वपूर्ण आधार भी माना जाता है। जब हम इसको एक इकाई के रूप में या समूह के रूप में देखते हैं तो ये कहते हैं कि जाति एक आनुवंशिक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता यानी सामाजिक परिस्थिति बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करती। इसमें जन्म के अनुसार परिस्थिति अथवा श्रेणी निर्धारित होती है और जो व्यक्ति के व्यवसाय, विवाह और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। यानी एक इकाई के रूप में जाति एक बंद क्रम परिस्थिति समूह होता है, अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की परिस्थिति, उनका पेशा, जीवन साथी के चयन का क्षेत्र यानी विवाह संबंध, दूसरों के साथ उनके जो अंतःक्रियाएँ यानी सामाजिक संबंध है आदि सभी निश्चित होते हैं। जब हम एक व्यवस्था के रूप में जाति को देखते हैं तो ये कहते हैं कि जाति प्रतिबंधों की सामूहिकता को प्रस्तुत करती है। जैसे सदस्यता परिवर्तन हम नहीं कर सकते, व्यवसाय निश्चित होता है, विवाह और सहभोज और सामाजिक संबंध आदि पर निश्चित प्रतिबंध होते हैं। यानी हम एक व्यवस्था के रूप में ही अपने सामाजिक व्यवहारों को स्वरूप या गतिशीलता प्रदान करते हैं। इन सब की चर्चा हमने पूर्व के व्याख्यान में की थी। आज हम बात करेंगे जाति की अवधारणा की। जब जाति को समाजशास्त्र दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है तो उसको संरचनात्मक और सांस्कृतिक दोनों संदर्भों में देखा जाता है। संरचनात्मक आधार पर ये अंतर संबद्ध परिस्थितियों, विविध निषेधों के आधार पर विभिन्न जातियों के बीच प्रतिमानित अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों के एक स्थायी स्वरूप के रूप में देखी जाती है। और सांस्कृतिक आधार पर इसको मूल्य, विश्वास और प्रथाओं की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। किंतु अधिकतर विद्वानों ने जाति को एकात्मकता के रूप में देखा है, न कि मूल्यों और अभिवृत्तियों की सामूहिकता के रूप में। जाति व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि इसमें परिस्थितियों, भूमिकाओं और सामाजिक प्रतिमानों के संदर्भ में प्रत्येक जाति के सदस्यों की और प्रत्येक जाति के एक समूह के रूप में एक परस्पर संबंध, अधिकार और दायित्व सुसंगठित और निश्चित मिलते हैं। जब संरचनात्मक अर्थ में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं तो बुगिल जैसे समाजशास्त्री जाति को आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समूह कहते हैं, जबकि व्यवस्था के रूप में उन्होंने तीन लक्षणों की व्याख्या की। श्रेणी क्रम यानी भारतीय समाज में विभाजन का आधार, आनुवंशिकी विशिष्टीकरण और विकर्षण। इसी प्रकार प्रोफेसर कैथलीन गफ ने जाति को पद क्रम जन्म परिस्थिति समूह का, यानी हमारा जो पद क्रम निर्धारित होता है वो जन्म से होता है, हमारी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जाति से होता है, जो प्राय अंतर्विवाही होते हैं और एक निश्चित व्यवसाय से जुड़े होते हैं। सेनाट ने भी इसको एक ऐसा ही एक बंद संघ कहा जो आनुवंशिकी के आधार पर पेशे से संबंधित एक निश्चित पंचायत के द्वारा या परिषद के द्वारा चिन्हित होता है।
इसके अतिरिक्त श्रीनिवास ने जाति को संरचना के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने जाति की परिभाषा नहीं दी। जब योगेंद्र सिंह जाति को परिभाषित करने या समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो संरचनात्मक रूप से जाति व्यवस्था को दो रूपों में देखते हैं, दो प्रवृत्तियों के रूप में देखते हैं। एक तो खंड में विभक्त जाति व्यवस्था और दूसरी समन्वित व्यवस्था के रूप में। खंड रूप में यानी ये भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करती है, अर्थात प्रत्येक जाति या उपजाति परस्पर विकर्षण के आधार पर सामाजिक दूरी बनाए रखती है व सामाजिक असमानता को दर्शाती है। किंतु जब हम दूसरी प्रवृत्ति की बात करते हैं, एक समन्वित व्यवस्था के रूप में, तो जाति खंड जजमानी प्रथा के माध्यम से पारस्परिकता के सिद्धांत द्वारा आपस में जुड़े हुए भी दिखाई देते हैं। यानी जजमानी प्रथा के द्वारा एक उच्च जाति व निम्न जाति किस प्रकार अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और किस तरह से एक दूसरे से पारस्परिकता के सिद्धांत को अपनाती है, उसको लेकर योगेंद्र सिंह ने इसको एक संरचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसी चीज़ को प्रोफेसर बेली ने एक बंद समन्वित स्तरीकरण के रूप में जाति को परिभाषित किया। इनका मानना था कि जाति एक ऐसा बंद समूह है, समन्वित स्तरीकरण है, कि जो भारतीय समाज को विभिन्न श्रेणीक्रम भागों में बांटता है, किंतु उनका गतिशीलता बंद होती है, यानी उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत हम जब वर्ग की व्यवस्था को देखते हैं, तो उसमें खंडित स्तरीकरण होता है, जिसमें एक खंड से दूसरे खंड में हम सामाजिक परिस्थिति को बदल सकते हैं, जबकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में सामाजिक खंड जातियाँ उपजातियों के माध्यम से सहयोग के माध्यम से अंतःक्रिया तो करते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था में प्रतियोगिता के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।